हे गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन मॉम लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये सर्दियों के मौसम में बनने वाला बहुत ही स्पेशल रेसिपी है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ही कम सामान में बनेगी और बहुत ही सरल सी रेसिपी है। ये रेसिपी ऐसी रेसिपी है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा सामान की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो डेली बेसिस पे आप सामान यूज करते हैं, मतलब ना के बराबर इसमें सामान की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही कम सामान में ये रेसिपी बनेगी। तो चलिए गाइस, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन में सरसों का तेल डाला है, ये अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसमें लहसुन की कुछ कलियाँ और हरी मिर्च, आपको जितना मतलब तीखा पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद इसको अच्छे से मतलब होने देना है। और उसके बाद फिर ये जो मटर के दाने हैं इसको मैंने अच्छे से धुल लिया है। और उसके बाद इसको डाल के कुछ देर पकने देना है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। हाँ, इतना पकाना है कि इसका कच्चापन चला जाए और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और ये रेसिपी जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये रेसिपी जो है सर्दियों के मौसम में बनने वाली बहुत ही ख़ास रेसिपी है। हर घरों में बनती है लेकिन सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। बहुत लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, बहुत लोग बहुत मसालों का यूज करके बनाते हैं, लेकिन इतने कम मसालों में ये रेसिपी मतलब और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि मेरी रेसिपी ऐसी रेसिपी होती है कि मतलब बहुत ही कम सामानों में और बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी होती है। मैं खुद मतलब इस तरीके से रेसिपी बनाना पसंद करती हूँ कि बहुत ही कम सामान में जो रेसिपी बन जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके किचन में वो सामान मतलब अगर आप कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो वो नहीं जल्दी मिल पाता है। तो बहुत बार ऐसी चीज़ें होती, कोई रेसिपी बनानी भी होती तो एक बार मन में ये आता कि रहने दो, ये सामान नहीं है। तो मेरी रेसिपी ऐसी होती है कि मतलब अगर आपको कोई रेसिपी बनाना है तो आप झटपट बना सकते हैं। मतलब ये नहीं सोचना है कि वे सामान घर में नहीं है, जो डेली बेसिस पे आप सामान यूज करते हैं बस उसी सामान में एकदम झटपट बनने वाली मेरी रेसिपी होती है। और ये भी नहीं कि कुछ भी आप बना दो और वो खा लो, मतलब स्वाद अच्छा ना हो, ऐसा भी नहीं होता है। मेरी कोशिश यही रहती है कि कोई भी रेसिपी बनाओ बहुत कम सामान में और टेस्टी भी हो। तो यहाँ पर मैंने मटर डाल दिया है और उसके बाद में इसी समय इसमें सॉल्ट डाल दूँगी जिससे ये अच्छे से मतलब पक जाए और इसका जो मतलब पानी निकले इसी में अच्छे से सोख जाए। तो फिर उसके बाद इसका पेस्ट बनाने में आराम रहेगा, बहुत अच्छे से मतलब इसका पेस्ट बनेगा। और बहुत पतला इसका पेस्ट नहीं बनाना है, इसको दरदरा ही रहने देना है, इस तरीके का पेस्ट बनाना है। और सच कहूँ तो मेरा खुद का इंटेंशन जो है यही रहता है कि कोई भी रेसिपी अगर मैं बनाऊँ तो वो मतलब झटपट बन जाए बहुत आसान तरीके से और बहुत ही कम सामान में। मतलब ऐसा ना हो कि अगर आप कोई रेसिपी अगर बनाना चाहते हैं तो ये हो कि ये सामान नहीं है तो मैं ये रेसिपी नहीं बना सकती। मतलब मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यही इरादा होता है कि कोई भी रेसिपी अगर बनाऊँ तो बहुत ही कम सामान में और स्वाद भी उसका लाजवाब हो, खाने में भी बहुत टेस्टी हो, इस तरीके का मैं रेसिपी ज़्यादातर मतलब बनाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा निकाल लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ये तेल है इसको मैं गरम करके डाल रही हूँ, इसको मोयन करूँगी। तो इसको दोनों हाथ से अच्छे से रगड़ रगड़ के मतलब इसको मैं मिला लूँगी तेल को। उसके बाद फिर मैं इसको ठंडे पानी से इसको मैं गूँथ लूँगी आटे को। और इस आटे को बहुत सख्त नहीं गूँथना है, मतलब मुलायम आटा होना चाहिए, सॉफ्ट आटा होना चाहिए कि जिससे मतलब पराठे या पूड़ी जो भी अगर आप बनाएं वो खस्ते और फूले फूले बने। और यहाँ पर मैंने देखा तो ये देखिए हमारा जो ये मटर था वो इस तरीके से बनकर तैयार हो गया। और देखिए इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है, जो इसका मतलब पानी जो निकला था सारा सोख लिया अच्छे से। तो जब तक हमारा मटर इधर हो रहा था तब तक मैंने इधर आटा भी लगा लिया है। अब इस मटर को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं, फिर उसके बाद इसका जो है फिलिंग के लिए पेस्ट बनाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए आटा हमारा इस तरीके से मतलब तैयार हुआ है। तो मैं इसको लगा के हाथ से दिखा रही हूँ कि देखिए इस तरीके से सॉफ्ट आटा मैंने इसको यहाँ पर बनाया है। अब यहाँ पर मैंने मिक्सर जार ले लिया है और उसमें मैं यहाँ पर
जीरा डाल रही हूँ, तो अच्छी क्वांटिटी में डाल रही हूँ, बहुत कम नहीं डाल रही हूँ। अभी मैं थोड़ा सा और डालूँगी, ये देखिए थोड़ा सा मैंने और ले लिया है। तो जीरा डाल रही हूँ, और जितने मसालों का मैंने यूज करके बनाया है आप सेम यही मसाला यूज करके बनाइएगा, मतलब कुछ भी और एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए फिर जो इसके बाद मैंने कुछ भी और नहीं लिया है, जो मैंने मटर का मतलब फिलिंग के लिए जो तैयार किया है मटर, इसको डाल के और फिर इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा हींग डालूँगी बस, और मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, बस इतनी ही चीज़ों का मैं ये पेस्ट तैयार करूँगी फिलिंग के लिए। अगर आप बनाना चाहें तो बहुत सारे मसालों का भी यूज करके बना सकते हैं, बहुत सारी रेसिपीज मतलब यूट्यूब पे हैं, आप उसको देख के बहुत सारे वीडियो मतलब बहुत तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ये मेरी खुद की जो ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, यकीन मानिएगा इतनी टेस्टी मतलब ये रेसिपी ये पूड़ी बनी थी, इतनी खस्ता और करारी। और यहाँ पर मैंने मतलब ये मटर जो है डाल दिया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ये हींग डाल दे रही हूँ बस, डन। उसके बाद फिर मैं इसका पेस्ट जो है फिलिंग के लिए तैयार कर लूँगी, और यकीन मानिएगा इतनी स्वादिष्ट मतलब ये पूड़ी बनी थी, इतनी खस्ता पूड़ी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको एकदम सिंपल ऐसे ही लेके खा लिया, ना इसके साथ मैंने कोई चटनी या चाय कुछ भी नहीं लिया। कहने का मतलब है कि मैं इसको जब खाई तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी लेने का मन नहीं किया, मैं ऐसे ही खा ली, बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। और मैं खाने के बाद ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ आपसे। और यहाँ पर देखिए स्टफिंग के लिए तैयार हो गया ये फिलिंग, और ये देखिए मैंने इसको दरदरा ही रहने दिया है, मैंने बहुत पतला इसको नहीं मतलब पीसा है कि इसको एकदम पेस्ट बना देना है, सेम इसी तरीके से इतना ही दरदरा रहने देना है, मतलब बहुत अच्छे से मतलब ये फिलिंग जो है भरकर तैयार होगा, मतलब कहीं से भी नहीं कि इधर उधर निकलेगा या फटेगा, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे से। और मैं जब भी कोई मतलब फिलिंग वाले पराठे या पूड़ी बनाती हूँ तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि खूब ज़्यादा मतलब भर के बनाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा भर के बनाती हूँ, जिससे कि मतलब लगे कि हाँ अगर आप कोई चीज़ भर रहे हैं तो हाँ उसका टेस्ट आना चाहिए। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है, वो अच्छे से गर्म इधर हो रहा है, और इधर मैं इसको आटे की लोई ले ली हूँ, और इसको मैं हाथ से ही मतलब अंगूठे की सहायता से इसको गोल नुमा आकार में, जैसे मतलब कटोरी के आकार का थोड़ा गहरा करके मैं बनाऊँगी। फिर इसके बाद मैं इसमें इस मटर के फिलिंग को मैं बहुत अच्छे से मतलब मैं भरूँगी, आप खुद देख रहे होंगे मैं इसमें कितना ज़्यादा मतलब इसमें अभी भरी हूँ, और अभी मैं और लूँगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें भरने की कोशिश करूँगी। तो मैंने बहुत ज़्यादा इसमें ले लिया है, और फिर इसको अच्छे से दबा दबा के और किनारे किनारे से इसको इसी तरीके से अच्छे से रोल करके फिर इसको बाइंड कर लेंगे अच्छे से। फिर इसको हाथ से ही पहले अच्छे तरीके से इसको इसकी लोई बना लेंगे, फिर उसके बाद इसको बेलने में आसानी रहेगी, आराम से मतलब ये बेलन से बेल जाएगा, मतलब बिल्कुल भी मतलब इधर उधर से मतलब ये नहीं होगा कि फटेगा, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे से मतलब बेल कर तैयार होगा। और मैं थोड़ा इसको पतला ही बनाऊंगी और थोड़े बड़े साइज़ में भी बनाऊंगी आज, वैसे तो छोटे साइज़ में मैं बनाती, लेकिन मैंने आज जान के इसको थोड़े बड़े साइज़ में बनाया है। और मैं कोई भी स्टफिंग का अगर मैं पराठा या पूड़ी बनाती हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसको पतला ही बनाऊँ, क्योंकि मुझे मतलब पतला ही अच्छा लगता है बनाने में और खाने में भी, तो ज़्यादातर मैं पतला ही करके बनाती हूँ कोई भी स्टफिंग की मतलब पूड़ी या पराठे हो। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको पतला ही बेलूँगी, लेकिन हाँ आज मैं इसको बड़े साइज में बेलूँगी। और यहाँ पर आपको पैन में दिख रहा होगा जो मैंने तेल रखा है फ्राई करने के लिए, ये देखिए मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मैंने इसमें डाला है तेल, बहुत कम क्वांटिटी में डाला है, और इसको मैंने जानकर डाला है, क्योंकि अगर स्टफिंग वाली कोई चीज़ें डीप फ्राई करते हैं तो फिर क्या होता है कि उसका मतलब तेल जो है वो गंदा ही हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं उसकी स्टफिंग थोड़ा बहुत निकलता ही है, तो मतलब ये होता है कि तेल फिर वो दोबारा यूज करने लायक नहीं रहता है और मतलब तेल जो है काला हो जाता है, तो इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा तेल नहीं डाला है, बस मतलब मैंने थोड़ा सा ही डाला है, इतना डाला है कि बस मतलब मुझे जितने ये पूड़ी बनाने हैं अच्छे से उसमें डीप फ्राई हो जाए, अगर हाँ कम पड़े तो मैं बाद में ज़रूर डाल दूँ, लेकिन अभी मैंने थोड़ा ही डाला है। तो यहाँ पर मैं इसको दिखा रही हूँ कि देखिए कितना पतला मतलब बनकर तैयार हुआ है हमारा पूड़ी, और बड़े साइज में, तो मैंने इसको दोनों हाथ से पकड़ के अच्छे से इसमें डाल दिया है।
और ये थोड़ा बड़े साइज़ में था इसीलिए मैंने इसको दोनों हाथ से पकड़ के डाल दिया है अच्छे से। और इधर मैंने एक दो और लोई में, मतलब मैं स्टफिंग अच्छे से फिल करके इसको मैंने और बना लिया है। तो जब तक इधर मैं ये एक पूड़ी मतलब इधर बन रहा है तब तक मैं दूसरी भी पूड़ी साथ साथ बेलते जाऊँगी। और अभी आप इसको देखिए, अगर बहुत अच्छे से मतलब फूलेगा, जबकि मैंने इसमें तेल भी बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। क्या होता है, कोई भी मतलब चीज़ अगर डीप फ्राई करना होता है तो मतलब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा तेल जो है कढ़ाई में डाल देते हैं फिर उसके बाद फ्राई करते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा तेल इसमें नहीं डाला है। लेकिन उसके बाद भी देखिए इतने बड़े साइज का है, लेकिन देखिए कितने अच्छे से फूल कर यहाँ पर तैयार हो रहा है। और क्या हो रहा है कि मतलब ठंडियों का मौसम है तो ये मतलब दूसरे हाथ से मतलब मैं पकड़ के भी अंदर से मैं डाल दे रही हूँ पूड़ी को, तो बिल्कुल भी मतलब गर्म नहीं लग रहा है। लेकिन आप लोग इसको अवॉइड करिएगा, मतलब हो सकता है किसी को गर्म लगे हाथ से ना पकड़ जाए। लेकिन देखिए मैं इसको हाथ से पकड़ भी दे रही हूँ क्योंकि ये मतलब बिल्कुल भी गर्म नहीं लग रहा था। सर्दियों के मौसम में बिल्कुल भी मतलब गर्म का पता भी नहीं चलता, तो आराम से मतलब इसको टच किया जा सकता है। और यहाँ पर जब तक हमारी ये पूड़ी बन रही है तब तक मैं दूसरी पूड़ी जो है बेल कर तैयार कर लूँगी। और इसको मैं मीडियम आँच पर बना रही हूँ क्योंकि मुझे मतलब खस्ता पूड़ी चाहिए था। अगर आप इसको कहें तो ये खस्ता कचौड़ी भी इसको कह सकते हैं, खस्ता पूड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि एकदम सेम स्वाद इसका मतलब कचौड़ी वाला भी लग रहा था, पूड़ी वाला भी लग रहा था, क्योंकि इतना खस्ता बना था, इतना क्रंची बना था, बहुत टेस्टी भी लग रहा था और एकदम मतलब फूले फूले भी बनकर तैयार हुए थे। तो मैं इसको जानकर मीडियम आँच पर बना रही हूँ। अगर किसी को मतलब खस्ता पूड़ी नहीं चाहिए, उसको सॉफ्ट पूड़ी चाहिए, तो आप थोड़ा मतलब हाई फ्लेम पे करके इस पूड़ी को मतलब बना सकते हैं। अगर किसी को खस्ता पूड़ी चाहिए तो हाँ, आप इसको मीडियम आँच पे बनाइएगा, फूली भी बनेगी और खस्ता भी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने इस पूड़ी को देखिए निकाल लिया है और मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कितना मतलब खस्ता लाल लाल ये पूड़ी एकदम सुनहरे कलर का दिख रहा है, कितनी अच्छे कलर आए हैं। और उसके बाद फिर मैंने दूसरी पूड़ी जो है उसको बेल करके और फिर तेल में डाल दिया है इसको फ्राई होने के लिए। तो इधर हमारी दूसरी पूड़ी जब तक बनेगी तब तक हम साथ ही साथ दूसरी पूड़ियाँ जो है उसको बेलते जाएंगे। तो इसी तरीके की सारी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। इसको आपको हरी चटनी, लाल चटनी, मतलब किसी भी चटनी के साथ आप इसको खाना पसंद करते हैं तो आप उस चटनी के साथ खाएं। बहुत लोग इसको चाय के साथ भी खाना पसंद करते हैं, अगर चाय के साथ खाना चाहते हैं तो चाय के साथ भी खाइए। तो अपनी मनपसंद चीज़ों के साथ गर्मा गर्म खस्ता, करारी, क्रंची, जो भी कह लीजिए, पूड़ी या कचौड़ी बनाकर सर्दियों के मौसम में खाइए, इंजॉय करिए। और अगर ये रेसिपी पसंद आई होगी किसी भी पॉइंट पर तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, अगर उनको ये रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और रिलेटिव्स में शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। और हाँ, अगर आपको कोई रेसिपी और देखनी है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी बहुत ही कम सामान में वो रेसिपी बनाने की, क्योंकि मेरी ज़्यादातर रेसिपी ऐसी होती है बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से, बहुत ही कम सामान में, और स्वाद भी जो हो उस रेसिपी की लाजवाब हो, मतलब ऐसा हो कि अगर आप वो सामान ज़्यादा सामान के साथ बनाएं तो कम सामान के साथ भी इस तरीके से बनाकर उसी सेम टक्कर की हो या उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी हो। मेरी पूरी कोशिश रहती है कम सामान में कोई भी रेसिपी तैयार करने की। तो अगर इसी तरीके की अगर आपको रेसिपी देखना है कम सामान के साथ और बहुत ही आसान तरीके से, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। मैं इसी तरीके की रेसिपी मतलब कम सामान में और बहुत ही आसान तरीके से बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और मेरी ज़्यादातर रेसिपी ऐसी होती है मतलब बहुत ही कम सामान में, आपने खुद देखा होगा कि मैंने कितने कम सामान में ये रेसिपी बनाई है, आप यकीन करिएगा गाइज, मतलब मैं एकदम सच मतलब ऑनेस्ट में बता रही हूँ, बहुत ही टेस्टी ये पूड़ी बनी थी और बहुत खस्ता पूड़ी बनी थी, मतलब इतनी अच्छी बनी थी कि मैंने इसको एकदम ऐसे ही खाया, मतलब ना तो मैं मतलब कोई चटनी ली ना चाय ली, मैंने ऐसे ही खा लिया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और देखिए कितने कम सामान का यूज करके बनाया है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगी, लेकिन आप लोग एक बार ये ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर